हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी दिनों से लॉन्ग पेंडिंग पे जा रही थी। मैं उमरा करके सऊदी अरब से अपने लिए क्या क्या लेकर आई वो सब मैंने शेयर करना था आप लोगों से। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मैं नहीं कर पाई शूट, बट आज जुम्मा था और जुम्मे के लिए मैं तैयार हुई थी। ये मैंने अपना न्यू ड्रेस पहना हुआ है जो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया है। तो मैंने सोचा कि आज अगर तैयार हो ही गए हैं तो चलें आप लोगों के लिए वीडियो भी शेयर कर देते हैं। सबसे पहले और सबसे प्यारी चीज़ जो मैंने ली वो था ये कुरान पाक। आप सऊदी अरब जाएं, अल्लाह के घर जाएं और वहाँ से कुरान ना लेकर आएं, ऐसे कैसे हो सकता है। और मुझे एक नया कुरान चाहिए भी था और मैंने सोचा कि यहाँ से लेके जाऊंगी तो मेरे लिए एक मेमोरी रहेगी हमेशा, जब जब इसको पढ़ूंगी मुझे मेरा अपना पहला उम्रा याद आएगा। ये जो कुरान पाक है ना, ये मैंने एक छोटा और बहुत लाइट वेट कुरान पाक लिया क्योंकि मुझे ऐसे ही पढ़ने की आदत है कि आप इजीली पढ़ सकें, उठा लें, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। ये डार्क ग्रीन कलर का है, ये हमने मदीना से लिया था, नहीं आई थिंक मक्का से लिया था, ये हमने मक्का से लिया था। और इसको ऐसे ओपन करें तो बहुत खूबसूरत इसका प्रिंट है और बहुत लाइट वेट है, मतलब इतना लाइट वेट कुरान है। अच्छा, मुझे वैसे भी छोटे हरूफ पढ़ने की आदत है और जो छोटा हरूफ है वही मुझसे सही से प्रॉपर्ली पढ़ा जाता है, तो ये है। द क्वालिटी ऑफ पेपर इज सो गुड और माशाल्लाह इतना खूबसूरत। तो बस ये कुरान पाक हमने लिया अपने लिए, घर के लिए, एंड इंशाल्लाह अब इसको पढ़ना शुरू करेंगे। बाकी जो सेकंड चीज़ हमने ली वो ली अपने लिए जा नमाज़ें। ये मेरे हस्बैंड की जा नमाज़ है और ये मेरी जा नमाज़ है। मैंने ये अपने लिए जा नमाज़ ली और वैसे तो हमने जाए नमाज़ें गिफ्ट करने के लिए भी ली थी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट, बट हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो ये है। मेरी ये है बहुत सॉफ्ट, ये टर्किश कारपेट की बनी हुई जाए नमाज है, पीछे से बिल्कुल ऐसी है और काफ़ी मोटी है और बहुत वार्म है, बहुत खूबसूरत ये जाए नमाज है, बहुत प्यारी। तो मुझे ये ब्लू कलर, बेसिकली ये लाइट ब्लू कलर है, इस वक्त कैमरे में आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा है। और ये ना शेड्स हैं इसके, आप देखिए नीचे से इसका शेड चेंज हो गया, ऊपर से इसका शेड चेंज है, वहाँ से शेड चेंज है, सो इट्स रियली ब्यूटीफुल और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये जा नमाज जो है वो मैंने अपने लिए ली है और हस्बैंड ने अपने लिए ली है ये जाए नमाज। ये भी काफ़ी अगर आप लोग करीब से देखें तो बहुत सॉफ्ट, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कितनी सॉफ्ट और कितने मज़े का इनका फैब्रिक है। ये पीछे से ऐसे और यहाँ से पूरी स्टिच्ड है। हमको ऐसे ही काबा के साथ जानमाज चाहिए थी, लग तो मुझे भी यही प्यारी रही थी लेकिन मैंने सोचा कि अब एक घर में ऐसी आ गई है तो मैं दूसरे स्टाइल की ले लूँ। तो देखिए ये कितनी खूबसूरत इसके ऊपर हैंड पेंटिंग हुई हुई है एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत जानमाजें। तो ये दो जानमाजें ली हैं हमने। इसके अलावा जानमाज और कुरान के अलावा हमें ऐसे वहाँ पर कुछ चीज़ समझ आ नहीं रही थी, टू बी ऑनेस्ट। अबायाज़ भी मुझे लर्नम की क्वालिटी और वेराइटी ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने अबायाज़ भी देखे। तो फिर हमने ये सोचा कि जो वहाँ की स्पेशलिटी है जो हमें यहाँ पे नहीं मिलती है हम उसी तरह की चीज़ें ले लें, रादर देन कि हम फालतू में जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग थिंग्स हम चीज़ें खरीदें, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, वो चीज़ें जो हमें यहाँ नहीं मिलती हैं और वहाँ ज़्यादा अच्छी मिलती हैं तो वो हमने ली। इसमें एक ऊद भी है, वैसे ऊद लंदन में भी बहुत ज़्यादा मिलता है और इवन अरेबियन ऊद और अब्दुल समद जो फेमस शॉप्स हैं सऊदी अरब की, वही सेम शॉप्स मुझे यहाँ लंदन में भी मॉल्स के अंदर दिख जाती हैं। डेफिनेटली पैसों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अच्छा, ये तीन ऊद थे जो हम लोगों ने लिए और ये जितने भी ऊद्स होते हैं ये जो है वो सिर्फ फॉर मेन है, बाकी ये जो दो हैं वो यूनिसेक्स हैं यानी कि मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। तो ये है इंटेंस रोज, दिस इज़ प्रिंस ऑफ रोज एंड दिस इज़ ऊद ओरिएंटल। ठीक है, अब इसमें से हमने सिर्फ ये एक अभी ओपन किया है यूज़ करने के लिए तो मैं ये आप लोगों को दिखा देती हूँ। दिस इज़ द बॉटल, ऊद और रोज़ कम्बाइन इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़बरदस्त, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। अगर कोई ऊद का शौकीन है और उन्हें ऊद अच्छा लगता है तो उन्हें पता होगा कि काफ़ी देर तक चलती है ऊद की फ्रेग्रेंस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है,
लाइक आप इसको थोड़ा सा, ये तो स्प्रिट के साथ मिला हुआ है, एक ऊद ऑयल बेस्ड फॉर्म में भी मिलता है, तो वो ऑयल बेस्ड फॉर्म में हमने इसीलिए लिया क्योंकि वो एक तो वो एक्सपेंसिव भी था टू बी ऑनेस्ट, सेकेंडली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो उसको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी टू वेयर दैट। ये स्प्रिट के साथ मिले हुए होते हैं, नॉन अल्कोहलिक होते हैं तो इनको आसान है इनको संभालना। सेकेंडली ये भी इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हैं कि ये आराम से आप लगाएं तो ये एक दिन तो आपका आराम से चल ही जाता है। देखें इस तरीके से मैंने इसको स्प्रे कर दिया अपनी शर्ट के ऊपर, तो ये आराम से अब इसकी फ्रेग्रेंस और खुशबू आती रहेगी। सो ये हम लोगों ने 3 ऊद लिए हैं। ऊद इट सेल्फ इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग, तो आपको पता ही होगा कि अच्छा ओरिजिनल ऊद अगर आप लें तो वो काफ़ी महंगा ही होता है। इसके अलावा मैंने ये एक कप लिया है, डेफिनेटली मग्स वगैरह तो हर जगह ही मिलते हैं बट मुझे इतना क्यूट लगा, एक तो इसका कलर येलो कलर इज़ माई फेवरेट कलर, सेकेंडली इस पर हनी लिखा हुआ था। मैं काफ़ी अरसे से एक कप ढूंढ रही थी जिसपे हनी लिखा हुआ हो, मुझे ये हनी नेम का मग फाइनली कहीं पर मिला। मैंने सोचा कि बस जैसा भी है जहाँ से भी मिल रहा है ले लेंगे, सऊदीया से मिल रहा है तो यहीं से ले लेंगे, तो और वैसे भी जहाँ भी जाती हूँ मैं वहाँ से मग तो ले ही लेती हूँ क्योंकि मुझे मग्स जमा करने का बहुत क्रेज़ है। सो इट्स वेरी लाइट वेट, वेरी गुड क्वालिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे वहाँ पे बाथ बॉडी एंड वर्क्स मिल गया फाइनली। यूके में नहीं है इसका कोई आउटलेट, यहाँ पे नहीं है सरप्राइजिंगली, आई डोंट नो क्यों बट नहीं है। मैं पाकिस्तान में इसके प्रोडक्ट यूज़ करती थी, डेफिनेटली बाहर से मंगा के कोई रिलेटिव आता था या फिर कुछ पेजेस के थ्रू, बट यहाँ का ही सीन ये है कि अमेजोन वगैरह पे आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, डिफरेंट पेजेस भी हैं उन पे भी मिल जाते हैं, बट अगेन आपको नहीं पता कि वो ऑथेंटिक हैं या नहीं, और अगर ऑथेंटिक हैं भी तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। जब मुझे वहाँ पर बाथ एंड बॉडी मिल गया ओरिजिनली, एंड सरप्राइजिंगली वहाँ पर जो एयर एंड सेल होती है वो लगी हुई थी, वो बाय वन एंड गेट वन फ्री की थी, तो फिर मैं उसको कैसे जाने देती। सो मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग बाथ एंड बॉडी से की है, आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये मेरा फेवरेट मैड अबाउट यू, ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये शादी के बाद मैं हर वक्त लगा के रखती थी घर में, इट्स अ मिस्ट। और इसकी मैड अबाउट यू की पूरी एक रेंज है, इनका लोशन भी है, ये भी है, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये ख़त्म हो गया था शादी के 5-6 महीने बाद ही, इवन यहाँ आने से पहले ही ख़त्म हो गया था, एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक कि ये बहुत अच्छी खुशबू है जो आप लगाती हैं, सो उनको बहुत अच्छी लगती थी तो फिर मुझे तो ये तो लेना ही था, तो ये तो मैंने रिपीट किया है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छी फ्रूटी फ्लॉरल सी इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी है। इसी के साथ का मैंने इसका बॉडी लोशन भी लिया है, अगर आप नहाएं और नहाने के बाद सेम फ्रेग्रेंस का बॉडी लोशन यूज़ करें और फिर बॉडी मिस्ट यूज़ करें तो काफ़ी लंबी इसकी जो है वो फ्रेग्रेंस चलती है, लाइक पूरे दिन के लिए आपका काम हो जाता है। सो मैं यही करती थी जब मैं ये यूज़ करती थी, तो मेरे पास ये दोनों सेट ही थे। इसके अलावा मैंने एक और बॉडी लोशन लिया है, बेसिकली बॉडी क्रीम है, एंड यू आर द वन, ये इनकी न्यू कलेक्शन कोई आई है, ये न्यू कलेक्शन आई है, ये उसका है, एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन इसकी खुशबू किस तरह की है, काफी विंटर जैसी इसकी फ्रेग्रेंस है, कुछ पोमोग्रेनेट वनीला फ्लोरल कुछ मिक्स ही है, बट दिस इज रियली गुड, तो एक मैंने ये लिया है। इसके साथ मुझे बाय वन एंड गेट वन फ्री चल रहा था, तो ये दो तो मैंने बाय वन एंड गेट वन फ्री में ले लिए थे। अच्छा ये मैंने लिया, इसका मुझे मिस्ट इतने मज़े का नहीं लगा था इसलिए मैंने मिस्ट ले लिया। ये एक और इनकी स्पेशल रोज कलेक्शन है, ये भी पूरी कलेक्शन थी, इसका बॉडी मिस्ट, इसका लोशन और इसकी कैंडल भी थी, बट मैंने सिर्फ इसका मिस्ट लिया। लाइक बहुत ट्रिकी इसकी फ्रेग्रेंस है, अगर कुछ लोगों को रोज़ अगर पसंद है तो बहुत पसंद आएगी, जैसे ये अगर पीपल हु लाइक रोज उन्हें ये पसंद आएगी, मुझे रोज एंड स्पेशली दिस इज नॉट ओनली रोज, दिस इज वाइट रोज, ठीक है ये वाइट रोज है, एंड आई लव फ्रेग्रेंसेज विच हैव वाइट रोज इन इट, मुझे वो वाइट रोज का जो नोट होता है परफ्यूम्स में या कैंडल्स में वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने आई बॉट दिस वन एज वेल। अब ये मेरा 6-7 महीने का कोटा पूरा हो गया। अच्छा फिर यहाँ पे कैंडल्स पे भी बाय वन गेट वन फ्री लगा हुआ था, तो कैंडल्स का भी मुझे बे इंतहा क्रेज है, तो मैंने 2 कैंडल्स भी ले ली, एक्चुअली एक के प्राइस में मुझे दूसरा जो है वो सस्ता पड़ा, और मैंने कंपेयर किया था
सऊदी रियाल और पाउंड्स में, और जो अमेजोन वगैरह और दूसरी यहाँ के पेजेस पे ये मिलते हैं बाथ एंड बॉडी की चीज़ें, वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो उसके कंपैरिजन में मुझे ये काफ़ी रीजनेबल मिला। अच्छा, ये है अगेन रोज वाटर एंड एवी, दिस इज सो गुड यू गाइस, ये बहुत 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 अच्छा है। एंड जो ये वाली है, इसके जो नोट्स हैं ये हैं सॉफ्ट रोज पेटल्स, इंग्लिश एवी, लेमन ब्लॉसम, वाइट रोज है, कुछ इसके अंदर लिलीज की भी हिंट है। सो आई रियली लाइक दिस वन, लाइक इवनिंग वगैरह के लिए काफी अच्छा है। और ये एक जो है ये है वाइट गार्डेनिया, आप लोग देख सकते हैं, ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था। ये जैसे आप रात की रानी, मोतिया, जो इस तरह की फ्रेग्रेंसेस होती हैं, ये कुछ इस तरह का है। अगेन फ्लोरल है, इसके अंदर गार्डेनिया पेटल्स हैं, स्वीट एप्पल है, वाइट ट्यूबर रोज है। सो इन सारी चीजों से ये है। ये था मेरा बाथ एंड बॉडी का छोटा सा मिनी हॉल। सो ये सारी चीजें थी जो मैंने सऊदीया से ली। अगेन बहुत ज्यादा कुछ हमने नहीं लिया, रीजन उसका यही था कि हर चीज ही लंदन में मिल जाती है, और मैंने देखा सऊदीया में मोस्टली सारी चीजें चाइना ही की होती हैं। सो मुझे ऐसा लगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लंदन में हमें ज्यादा अच्छी ना मिलती हो। हमने कुछ भी फालतू लगेज उठा के नहीं लेकर आए, राधा देन फिर हम जो होली वाटर हमारा होता है जमजम, उसकी हम दो बॉटल्स लेकर आ गए थे। साथ हम काफी सारी अजवा खजूरें लेकर आए, हमने सोचा कि जो खजूरें हैं वो ज्यादा होनी चाहिए। खजूरें हम बहुत सारी क्वांटिटी में लेकर आए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट खजूर जो है वो लेकर आए हैं। हमने जो गिफ्ट्स देने थे यहाँ पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, तो हम उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आए, वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगी। मैंने आप लोगों से पहले भी बहुत दफा व्लॉग्स में बताया कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को कोई भी गिफ्ट दें, जरूरी नहीं होता वो आप दिखाएं, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर इन लोग कुछ हमारे लिए चीजें लेकर आई, वो था साथ में मेरे कुछ कपड़े थे, कुछ मेरे ड्रेसेस थे, कुछ मेरी अम्मी ने ड्रेसेस भिजवाए थे, कुछ समीर के क्लोथ्स थे जो, तो ये सारी चीजें हमारे लिए सामान आया था, तो लगेज हमने मैनेज करना था, इसीलिए ज्यादा फजूल हमने कुछ भी नहीं लिया। इवन बाथ एंड बॉडी भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे वहां मिला और रीजनेबल पैसों में मिला, मुझे लगा कि बेहतर है यहाँ से लेना, इसलिए मैंने इस पर इन्वेस्ट करा। जमजम वाटर और जो अजवा खजूरे हम लेकर आए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि वो तो खजूरे, डेट्स और वाटर ही है। सो बस यही छोटा सा हमारे शॉपिंग हॉल था सऊदी अरब का। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, खुश रहें और बस इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करती है, इसीलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।